दोस्तों, अगर आप अपने पैसे को पोस्ट ऑफिस के अंदर एक ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां आपका पैसा एकदम सेफ तरीके से पड़ा रहे और वहां से आपको हर महीने कुछ इनकम भी होती रहे, तो पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम यानी कि पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। उसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ समय के लिए आपका पैसा लंपसम आपको एक साथ जमा करना होता है और वो सेफ तरीके से वहाँ पड़ा रहेगा। उसी के साथ साथ वहाँ से आपको हर महीने कुछ ना कुछ इनकम जरूर होती रहेगी, तो आपके लिए पोस्ट ऑफिस की MIS एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, 2024 में नए इंटरेस्ट रेट के साथ में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। काफ़ी सारे लोग होते हैं वीडियो पूरा देख लेते हैं, पसंद भी आती है लेकिन लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, और आपको कोई दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो कमेंट कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लें, जिससे क्या होगा, आप जो वीडियो चाहते हैं वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और जब भी हम वीडियो डालेंगे वो आप देख सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको वो वीडियो नहीं मिल पाएगी, एक बार चैनल पे आके आप चले जाएंगे, फिर आप कमेंट करते हैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। हमारे चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोज़ बने हुए हैं, आप चैनल पे जाके वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, जिससे कि हम जब भी वीडियो डालें तो वो आप तक पहुँच जाए। और ये वीडियो पसंद आती है तो लास्ट में लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, पहले भी लाइक करना चाहते हैं कर सकते हैं, वीडियो पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 2024 में कैसे आप पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम से 11,100 रुपये कमा सकते हैं, साथ ही साथ बात करेंगे कितना पैसा आप इस स्कीम में जमा कर सकते हैं, इंटरेस्ट के कैलकुलेशन की बात करेंगे, टैक्स कितना लगता है, कैसे लगता है, कौन कौन इसमें खाता खुलवा सकता है, मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है यानी कितने समय के लिए आपको पैसा जमा करके रखना पड़ता होता है, और समय से पहले आपको पैसे की ज़रूरत आ गई तो क्या इसके रूल हैं, और साथ ही साथ जो कैलकुलेशन की हम बात करेंगे उसका कैलकुलेटर आपको चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ये PPT चाहिए आपको, ये PPT भी वहाँ पे मिल जाएगी, उसी के साथ साथ वो कैलकुलेटर भी आपको मिल जाएगा। तो चाहिए तो कैलकुलेटर के लिए आपको टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन अकाउंट खुलवा सकता है। तो देखिए, एक सिंगल एडल्ट पर्सन यानी कि जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है वो इसमें खाता खुलवा सकता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको जॉइंट अकाउंट खुलवाने की भी सुविधा मिल जाती है। जॉइंट अकाउंट मतलब कि दो लोग या फिर तीन लोग मिलकर के एक साथ खाता खुलवा सकते हैं। अब देखिए, तीसरा पॉइंट देखिए, जो गार्जियन है वो माइनर के बिहाफ पे भी अकाउंट खुलवा सकता है, साथ ही साथ अनसाउंड माइंड पर्सन के नाम से भी अकाउंट खुलवा सकता है यानी कि जो पर्सन मेंटली डिसेबल्ड है उनके नाम से भी खाता खोला जा सकता है, गार्जियन उनके अकाउंट का टेक केयर करेगा। उसी के अलावा लास्ट पॉइंट आप देखेंगे तो माइनर जो है अगर उसकी उम्र 10 साल से ज़्यादा है तो वो खुद के नाम से भी खाता खुलवा सकते हैं, मंथली इनकम प्राप्त कर सकते हैं। फिर आइए अब बात कर लेते हैं डिपॉजिट लिमिट और डिपॉजिट के क्या क्या रूल हैं यानी कि कितना पैसा आपको जमा करना पड़ेगा। अगर आप खाता खुलवाना चाहते हैं तो कम से कम आपको 1,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे। खाता कैसे खुलेगा, पोस्ट ऑफिस के अंदर आपको जाना पड़ेगा 1,000 रुपये लेके, बेसिक KYC डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपनी एक फ़ोटो ले जाकर आप खाता खुलवा सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको मल्टीपल ऑफ 1,000 यानी कि आपको जो पैसा है वो एक बार ही स्टार्टिंग में जमा करना है, कितना जमा करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कम से कम 1,000, ज़्यादा से ज़्यादा 9,00,000 रुपये आप जमा कर सकते हैं, और मल्टीपल ऑफ 1,000 यानी कि 2,000 से आपको जमा करना है, 3,000 जमा करना है, 5,000 जमा करना है, 1,05,000 जमा करना है, जितना भी जमा करना है कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 9,00,000 रुपये आप जमा कर सकते हैं। उसी के अलावा जो जॉइंट अकाउंट की बात करी उसमें 15,00,000 रुपये जमा किए जा सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति केवल 9,00,000 रुपये ही जमा कर सकता है। आइए इसको भी समझते हैं। देखिए, यानी कि आपने दो लोग मिलकर जॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं, दो लोगों ने मिलकर 10,00,000 रुपये जमा कर दिए एक अकाउंट के अंदर, जॉइंट अकाउंट में आप कर सकते हैं क्योंकि 15,00,000 रुपये कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, एक एक व्यक्ति का कितना माना जाएगा, 5,00,000 रुपये माना जाएगा, दोनों कर कितना सकते हैं, 9,00,000 रुपये कर सकते हैं, तो 5,000,000 हो गया। बाकी वो दूसरा अकाउंट भी अपना खुलवा सकता है 4,00,000 रुपये का, ये भी अपना 4,00,000 रुपये का कहीं पे भी अकाउंट खुलवा सकता है, या फिर ये दोनों मिलकर के साथ में 8,00,000 रुपये का एक जॉइंट अकाउंट फिर से खुलवा सकते हैं, वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। एक व्यक्ति की इंडिविजुअल लिमिट
₹9 लाख होएगी। अब बात कर लेते हैं लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट की पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम का। तो देखिए 1 जनवरी 2024 से इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट है 7.4%, एनुअल इंटरेस्ट रेट है पर एनम, लेकिन ये जो इंटरेस्ट है आपको हर महीने मिलेगा। जैसा कि नाम है मंथली इनकम स्कीम, तो इंटरेस्ट भी आपको हर महीने मिलेगा, यानी कि ₹1 लाख है उसके ऊपर साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, लगभग अपन मानते हैं ₹7,400। तो इसमें से आपको हर महीने का इंटरेस्ट लगभग ₹6,200 बनेगा, ₹620 बनेगा, तो उतना आपको हर महीने मिलता जाएगा, लगभग इतना आएगा। एक्चुअल कितना होगा वो आपको इस वीडियो में ही देखने को मिल जाएगा। इंटरेस्ट जो है वो महीना कंप्लीट होते ही आपको मिल जाएगा, आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अगर आप क्लेम नहीं करते हैं उस इंटरेस्ट को तो उसके ऊपर एडिशनल इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आप सोचे पड़ा रहे इस पे और पैसा बढ़ता जाएगा, कंपाउंडिंग होगा, तो ऐसा नहीं है। वो आपको सेविंग अकाउंट में ले लेना है, जिससे क्या होगा आपके सेविंग अकाउंट में, आप उसको कैश में निकालना चाहें कैश में निकाल सकते हैं, सेविंग अकाउंट में पड़ा रखेंगे तो वहाँ पे आपको 4% का ब्याज मिल जाएगा। देखिए अगर आपने आज 27 जनवरी को आप अकाउंट खुलवाते हैं तो यानी कि आपका 26 फरवरी को आपका जो है वो एक महीना पूरा हो जाएगा, यानी कि 26 फरवरी अब आपकी 26 तारीख जो है वो फिक्स हो जाएगी, हर महीने इस तारीख को आपको इंटरेस्ट मिलता जाएगा। यानी कि जिस दिन आप खाता खुलवाते हैं एक महीना पूरा होते ही उस तारीख पे आपको इंटरेस्ट मिलना अगले 5 सालों के लिए, यानी कि हर महीने 5 सालों तक आपको ब्याज मिलता रहेगा, क्योंकि इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 5 साल का होता है। और देखिए इसके अलावा आप नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो जैसा कि आपको बताया मैक्सिमम लिमिट 9 लाख रुपए की है, तो इससे ज़्यादा अगर आप गलती से या जानबूझ करके पैसा जमा करवा देते हैं तो उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का ही इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि 7.4% तो इस स्कीम का रेट है, आपको 7.4 नहीं मिलेगा अगर आप 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा जमा करा देते हैं, 9 लाख या उससे ज़्यादा। तो यहाँ पर आपका जो पैसा है जैसे ही पकड़ा जाता है पता चलता है एक्सेस अमाउंट आपका रिफंड कर दिया जाएगा, और उसके साथ जिस दिन रिफंड होगा तब तक आपको जो है वो इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट वाला दे दिया जाएगा। तो ऐसी गलती या फिर चालाकी ना करें, अगर आपको 9 लाख रुपए की लिमिट मिली है तो 9 लाख रुपए ही जमा कराएं। उसके अलावा आप देख सकते हैं अगला पॉइंट MIS का जो इंटरेस्ट है वो आप अपने पोस्ट ऑफिस के किसी भी पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में ले सकते हैं, ये अकाउंट केवल आप पोस्ट ऑफिस में ही खुलवा सकते हैं। उसी के साथ साथ जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल रहने वाला है डिपॉजिटर के हैंड में, यानी कि इंटरेस्ट आपको जो भी मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। कब टैक्सेबल होगा, अगर आप टैक्सेबल लिमिट में आते हैं, अगर आप टैक्सेबल स्लैब में आते हैं। इंडिया के अंदर अगर कोई पर्सन 5 लाख रुपए कमाता है ना साल भर में तो उसको टैक्स नहीं देना होता है, यानी कि उसके लिए इंटरेस्ट टैक्स फ्री हो जाएगा। अगर कोई पर्सन 10 लाख रुपए कमाता है तो वो 5-10% जिस भी स्लैब में आता है उस स्लैब के अकॉर्डिंग ही टैक्स देगा। तो अगर आपकी टोटल इनकम पूरे साल भर की मिला करके और इस इंटरेस्ट को भी मिलाकर 5 लाख रुपए से कम होती है तो आपके लिए इंटरेस्ट टैक्स फ्री है, और अगर आपकी इनकम पूरी मिलाकर के साल भर की 20 लाख रुपए से भी ज़्यादा होती है तो आपके इंटरेस्ट पे 30% तक का टैक्स लग सकता है। तो इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है सबके लिए टैक्सेबल होगा। और ये जो इंटरेस्ट मिलेगा ना इसमें से कोई भी TDS नहीं कटेगा, जितना इंटरेस्ट आपका बनता है सारा आपको दे दिया जाएगा। टैक्स बनता है तो आपको खुद से पे करना होगा, TDS नहीं होगा। TDS क्या होता है, ऑटोमेटिक कट जाता है आपके इंटरेस्ट में से। अब बात कर लेते हैं प्री मैच्योर क्लोजर की, यानी कि समय से पहले आपको पैसा चाहिए तो क्या आप निकाल सकते हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए खाता खुलवाने के पहले साल में आप अकाउंट को बंद नहीं करवा सकते। यहाँ पर आपने आपने अकाउंट खुलवाया, एक साल तक आप बंद नहीं करवा सकते। यहाँ से दूसरा और यहाँ से तीसरा, इस ड्यूरेशन में 1 से 3 साल में आप बंद करवा सकते हैं, 2% का आपको नुकसान हो जाएगा। 2% किस पे, प्रिंसिपल अमाउंट पे। आपने 1 लाख रुपए का खाता खुलवाया था तो उसमें आपने 3 साल से पहले आपने बंद करा दिया तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से यानी कि 2% काट लिया जाएगा। हर महीने आपको इनकम तो मिल चुकी है तो, और यहाँ पे आपका ये जो पैसा है इसमें से 2% काट के 98,000 आपको वापस कर दिया जाएगा, 2% कटेगा। 1 लाख जमा कराओ, चाहे 10 लाख जमा कराओ, चाहे 15 लाख, कितना भी जमा कराओ, 2% आपका कट जाएगा। और वहीं अगर आप चौथे और पांचवें साल में यहाँ पर आप बंद कराते हैं ना तो क्या होगा, आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से 1% कटेगा, यानी कि 3 साल के बाद से। यहाँ से आप बंद कराते हैं बाद में कभी भी 1% कटेगा 5 साल से पहले, मैच्योरिटी पीरियड से पहले। 1% कितना होता है, 1,000 रुपये 1 लाख रुपये के ऊपर कितना हो जाएगा, 5 लाख आपने जमा कराए हैं तो 5,000 रुपये हो जाएगा। वो आप देख सकते हैं खुद से कैलकुलेट करके। मैच्योरिटी पीरियड की बात करें तो अकाउंट जो है 5 साल के लिए होता है, 5 साल पूरे होते ही अकाउंट बंद हो जाएगा। यहाँ पे आपने खुलवाया, ये 5 साल पूरे हुए बंद हो जाएगा, सारा पैसा आपको मिल जाएगा।
उसी के अलावा यहाँ पर अकाउंट होल्डर की अगर मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में भी अकाउंट को उसी समय बंद कर दिया जाएगा। ये हो गई बात अकाउंट के मैच्योरिटी की। अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट की और इंटरेस्ट के कैलकुलेशन की। कैसे आपको कैलकुलेटर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको एक्सेल फाइल मिल जाएगी, आप रिक्वेस्ट करेंगे, आपको रिक्वेस्ट करके आपकी वो फाइल है आपको दे दी जाएगी, लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। ये PDF चाहिए, ये भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर लें। 1,00,000 रुपये अगर आप इस स्कीम में जमा कराते हैं, 7.4% का इंटरेस्ट रेट है। ये इंटरेस्ट रेट अभी के लिए वैलिड है, जनवरी फरवरी और मार्च, जनवरी से लेकर मार्च 2024 तक का ये इंटरेस्ट रेट है। इस समय में अगर आप खाता खुलवाते हैं तो 5 सालों के लिए आपको इसी रेट से हर महीने सेम अमाउंट मिलता रहेगा। अगर आप मार्च के बाद में ये वीडियो देख रहे हैं या फिर खाता खुलवाते हैं बाद में, तो उस कंडीशन में उस टाइम पे जो इंटरेस्ट रेट होगा वो मिलेगा। उसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा तो आपको रेगुलरली टाइम टू टाइम अपडेट रहना पड़ेगा। उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको टाइम टू टाइम रेगुलर बेसिस पे अपडेट दे दिए जाते हैं, जहां पर आपको सब्सक्राइब के आगे एक ज्वाइन का बटन मिलेगा। टाइम टू टाइम कोई भी ऐसी अपडेट आती है तो इंस्टेंट आपको वो नोटिफिकेशन शेयर किया जाता है, वहाँ पर आप ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। हर महीने 617 रुपये का आपको मंथली इंटरेस्ट मिलेगा, 1,00,000 से 5,00,000 से आपको मिलेगा हर महीने इतना, 9,00,000 से मिलेगा 5,550 और 18,00,000, यानी कि दो जने मिलकर के अकाउंट खुलवाते हैं। जॉइंट अकाउंट में तो 15,00,000 ही मिलते हैं, लेकिन आप 9,00,000 रुपये के दो अकाउंट खुलवा लेते हैं, दो लोग जॉइंट अकाउंट, तो आपको 11,100 रुपये मिल सकते हैं 18,00,000 रुपये जमा करवाने पे हर महीना 7.4% एक ठीक ठाक इंटरेस्ट रेट है। सेफ इन्वेस्टमेंट पोस्ट ऑफिस के अंदर अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई, अभी तक आप देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जाकर अपने शहर का नाम जरूर बताएं, ताकि हमें भी पता चल सके कहां से लोग हमारे वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको ये PDF फाइल और कैलकुलेटर, इसका एक्सेल फाइल वाला भी मिल जाएगा।